Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy Hai. Dosto, chapter number 9, Industry and Infrastructure by Ramesh Singh hum kar rahe hain, theek hai? Hum ye sare topic apne kuch classes ke andar kar chuke the. Aaj ki class mein mujhe aapko Indian infrastructure karwana hai. Bahut mazedar topic hai, bahut mazedar. Itna mazedar hai ki mujhe bada maza aayega ise padhane mein aur aapko bhi maza aana chahiye isko padhne mein, theek hai? Chalo. Dosto, agar main isko bataun na book se, to mujhe book mein likha hua pasand nahi aaya. Isme dekho, ye jo Indian infrastructure book mein de rakha hai na, maine bhi isko padha hai. Ye raha topic, theek hai, book ke andar. Isme utna mazedar tarike se nahi de rakha jitna main chahta hu ki aap logo ko samajh mein utne mazedar tarike se. Iske liye maine short notes banaye, crispy notes hain. Aapko agar wo chahiye to link main description box mein de dunga. Telegram channel join kar lena, wahan aapko uski PDF mil jayegi. To main ye wala point aapko apne notes mein se karwaunga, theek hai? Chalo, notes uthate hain. Ye raha hamara, theek hai? Chalo, dhyan dena. Infrastructure, to sabse pehli baat, ek minute main iska focus sahi kar dun fir start karte hain. Chaliye, infrastructure क्या मतलब होता है इस इंफ्रास्ट्रक्चर का, सुनो ध्यान से. देखो, आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा. हम ज्यादातर क्या होता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर जब भी आता है हम क्या बोलते हैं, बिल्डिंग, बड़ी बड़ी अच्छी सुंदर बिल्डिंग होनी चाहिए. नहीं दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर ये मतलब अकेला बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जैसे मान लो आप कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, आप उस इंडस्ट्रीज के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है. देखो, आज ना मैं आपको मतलब बिल्कुल कहते हैं ना कि बेस बता दूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर आप कभी भूल नहीं पाओगे कि क्या होता है उसका मतलब. थोड़ा समझना चीज होगा. इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जैसे आप एक कंपनी का सेटअप करना चाहते हो, ये आपकी एक कंपनी है, ठीक है? ये कंपनी क्या करती है, मोबाइल फोन बनाती है. अब आप ये सोचो कि ये कंपनी मोबाइल फोन बनाती है तो इसके मोबाइल को बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होगा, प्लास्टिक वगैरह. सोच के देखो, अगर वो रॉ मटेरियल मान लो इतनी दूरी पर है, तो यहां से लेकर यहां तक इस इंडस्ट्री के बीच में अगर अच्छी रोड्स होंगी तो क्या होगा कि कल को ये फोन करेगा, तुरंत माल इसके पास आ जाएगा. आएगा नहीं आएगा? ये सर बिल्कुल आएगा. अगर माल इसके पास जल्दी आएगा तो क्या इसको अपने पास बड़े बड़े स्टोरेज हाउस बनवाने पड़ेंगे जहां पर ये अपने माल को स्टोर करके रखे? नहीं बनवाने पड़ेंगे. तो इससे इसका जो रेंटल इनकम है वो क्या हो जाएगी, बच जाएगी. आप मेरी बात को समझे. जब रॉ मटेरियल इसके पास आ गया तो जब हम कल को मान लो हमारी मशीन में दिक्कत आ गई, तो मशीन के लिए जो ये बंदा रिपेयर वाला है, ये रिपेयर वाला बंदा जो है कारीगर है, ये बंदे के पास अगर आने जाने के लिए अच्छी रोड होगी, इसके पास अपने पास एक अच्छी बाइक होगी या कार होगी, तो ये तुरंत यहाँ पर आएगा इस फैक्ट्री के अंदर और इसको सही करके चला जाएगा. अगर कोई कंपोनेंट की जरूरत है तो ये क्या करेगा, अपने मालिक को फोन करेगा और फोन करके बोलेगा कि मालिक भाई ये वाली चीज मंगवा दो, इस चीज की कमी पड़ गई. तो फोन होना भी इसके पास क्या है, एक जरूरी इक्विपमेंट है. आप देख रहे हो, एक मोबाइल इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए कितनी सहायक इंडस्ट्रीज हैं जो इस मोबाइल इंडस्ट्रीज को चलाने का काम करें. फिर क्या होगा कि कल को मान लो इसको रॉ मटेरियल के लिए पैसों की जरूरत पड़ गई, तो वहां पर क्या होना चाहिए, एक बैंक होनी चाहिए. वहां पर क्या होनी चाहिए, एक बैंक होनी चाहिए जो इसको क्या देगा, फंड्स वगैरह प्रोवाइड कराएगा. फिर इसको अपने मोबाइल को मार्केट में बेचने के लिए क्या चाहिए होगा, प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट चाहिए होगा, प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल चाहिए होगा. तो हर एक कंपनी को एक बुनियादी सुविधा जिसकी जरूरत पड़ती है उस कंपनी को चलाने के लिए, वो सारे के सारे ढांचे को, पूरे पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर. याद रखना, आप कभी जिंदगी में मत भूलना इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है. हर वो चीज इंफ्रास्ट्रक्चर है जो चीज आपको जरूरत है एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए. वही बात यहां पर लिखी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारी की सारी एक्टिविटीज हैं, वो सारी की सारी सर्विसेज हैं, वो सारी की सारी फैसिलिटीज हैं जो एक चाहिए होती है इकोनॉमी को चलाने के लिए. जैसे रोड चाहिए होती है, पोर्ट्स बंदरगाह चाहिए होते हैं माल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, एयरपोर्ट चाहिए होते हैं, डैम चाहिए होते हैं, पावर स्टेशन चाहिए होता है, ऑयल चाहिए होता है, गैस, टेलीकम्युनिकेशन और एजुकेशन सिस्टम चाहिए होता है, मॉनिटरी सिस्टम चाहिए होता है, हेल्थ केयर सर्विसेज चाहिए होती है, सैनिटरी सिस्टम चाहिए होता है. ये एक पूरा एक ढांचा है जिसको चलाने के लिए हमें इन इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है. वही सारी चीज़ें क्या कहलाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाती है. क्लियर है, क्लियर है या नहीं है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है. ठीक है, अब अगर हम बात करें अपने पास टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ध्यान देना इंफ्रास्ट्रक्चर के कितने टाइप होते हैं. तो अगर हम बात करें, दो टाइप होता है, इकोनॉमिक और सोशल. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़े हुए होते हैं एनर्जी से, ट्रांसपोर्ट से और कम्युनिकेशन से. और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एक सोसाइटी से जुड़े होते हैं. सोसाइटी में क्या होता है, पढ़े लिखे लोग, एजुकेशन होता है, अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज होती है, अच्छे अच्छे घर होते हैं, हाउसिंग अफोर्डेबल जो हर बंदा उसको खरीद पाए, तो ये सारी कहलाती है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. तो एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ, हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर
हर उस बेसिक नीड को कहेंगे, हर उस एक्टिविटी को कहेंगे, हर उस सेट ऑफ एक्टिविटी को कहेंगे जो एक बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी होता है। फिर चाहे वो रोड हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे सैनिटरी हो, हर वो चीज हमारे लिए क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, इकोनॉमिक और सोशल। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन आ गई, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपका हेल्थ, एजुकेशन और हाउसिंग वगैरह जैसी चीजें आ गई। अब बात ये उठती है कि आखिर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो मैं आपको बता दूं, एक इकोनॉमी को सही और सुचारू रूप से चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट चाहते हैं, एक बात सोचकर देखो, यहां पर मान लो ये मोबाइल ना होकर अगर ये पिज्जा हट वाली कंपनी होती तो इसको क्या चाहिए था, आटा चाहिए था। आटे के लिए किस पर डिपेंड रहना पड़ता, किसानों पर। अगर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा नहीं तो क्या इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा हो पाएगा। अगर मैं बोलूं हमारे यहां पर जैसे प्राइमरी सेक्टर होते हैं, सेकेंडरी होते हैं और टर्शियरी सेक्टर, अगर हमारा प्राइमरी सेक्टर अच्छा नहीं है क्या लगता है सेकेंडरी सेक्टर अच्छा हो पाएगा, द आंसर इज नो। सेकेंडरी अच्छा नहीं किया, टर्शियरी अच्छा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये लिंकिंग चेन के हिसाब से चलते हैं, तो एग्रीकल्चर पर भी खासा ध्यान देना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो इससे हमारी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से होगी। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मतलब इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगी, सर्विस सेक्टर डेवलप करेगा, तो इससे ओवरऑल इकोनॉमी की क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो हमारी इंप्रूव होगी, एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा और आउटसोर्सिंग जैसी फैसिलिटी बढ़ना शुरू हो जाएंगी। सोच के देखो, अगर ये मोबाइल कंपनी को अपने आसपास सारी चीजें मिल जाएंगी तो जो विदेश की कंपनी है, मान लो यूएस की कंपनी है, उसने देखा इंडिया के लेबर सस्ते हैं और ये भी बताया कि अगर मैं इसके बगल में ये इंडस्ट्री खोल लूंगा तो मेरे पास भी ये सारे साधन हैं जो मैं अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए इसमें इस्तेमाल कर सकता हूं, तो क्या बाहर से एफडीआई हमारा बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? यस सर, बिल्कुल हमारा एफडीआई जो है बाहर से बढ़ेगा। तो ऐसे में जो आउटसोर्सिंग की जो सुविधाएं हैं वो हमारे यहां पर क्या होने लगेंगी, बढ़ जाएंगी। अच्छा, आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे यूएस वालों ने कहा कि देखो हमारे जो मेट्रो ट्रेन चलती है ना, अब उस मेट्रो ट्रेन को चलाने के लिए तो चलो हमारे पास कारीगर वगैरह सारे स्किल्ड लेबर हैं, लेकिन उसकी अनाउंसमेंट करने के लिए अगर हम एक बंदा इंडिया से अपॉइंट कर लें और इंडिया में बैठ के वो इंटरनेट पे बोलेगा और वही चीज़ हमारे मेट्रो स्टेशन पे सुनाई देगी, वो नहीं होता, काइंडली अटेंशन प्लीज़, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगली मेट्रो ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर आने वाली है और ये प्लेन, मतलब जो भी इस टाइप की जो होती है बातें, तो अगर हम ये काम इंडिया की लेबर से करवाएंगे तो इंडिया में क्या होता है, 12th क्लास पास आउट बच्चे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं, तो अगर इनको हम 10,000 की भी सैलरी देंगे ना और आने जाने के लिए कैब दे देंगे तो ये भागे भागे आ जाएंगे काम करने के लिए। और अगर यूएस में यही काम करवाएंगे तो उस काम के लिए यूएस वाले बच्चे को 70,000 देने पड़ेंगे, तो यूएस को तो फायदा हो रहा है ना इंडिया से काम कराने का, लेकिन हमारा फायदा क्यों हो रहा है, हमारे यहाँ रोजगार बढ़ रहा है। तो यूएस वालों ने एक पर्टिकुलर चीज का ठेका दे दिया कि सिर्फ तुम्हें जो है अपने यहाँ पर क्या करनी है, मिमिक्री करनी है या फिर अपनी आवाज रिकॉर्ड करके हमें भेजनी है, तो बस ये जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला है, पूरे एक एंटायर कॉन्ट्रैक्ट में से एक छोटा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग, क्योंकि हम उस चीज में क्या है, निपुण है, हमें इंग्लिश बोलनी अच्छे से आती है, हमारे यहाँ के लेबर सस्ते हैं, चीप लेबर है, तो यूएस ने हमें क्या किया, काम आउटसोर्स किया, क्योंकि यूएस को पता है हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम उन्हें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो तो हमारे यहाँ पर जो आउटसोर्सिंग है वो क्या हो जाएंगी, बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो बताओ अभी आपको ये चीज समझ आई कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है और उसके टाइप क्या होता है, ये हमारे लिए क्यों जरूरी होती है। अब हम आगे चलते हैं, अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में और चीज़ें क्या क्या आती है, जैसे एनर्जी आता है, थोड़ा अभी एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं डिटेल के अंदर। एनर्जी का मतलब क्या होता है दोस्तों, हर वो चीज़ हमारे लिए एनर्जी है जो एक प्रोडक्शन प्रोसेस और कंजम्पशन प्रोसेस में यूज़ की जाती है, और एनर्जी का वेस्टेज कम से कम हो इस बात के लिए गवर्नमेंट ने एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 बनाया गया, जिसके तहत एनर्जी की वेस्टेज को रिड्यूस किया जा सके। हमारे लिए एनर्जी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर इसका वेस्टेज होगा तो दोस्तों इकॉनमी डाउनफॉल के अंदर आ जाएगी, इस वजह से हमें ये एक्ट बनाना पड़ा। अगर हम बात करें एनर्जी को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक कमर्शियल एनर्जी और एक नॉन कमर्शियल एनर्जी। आगे हम और पढ़ेंगे कन्वेंशनल एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन ये सोर्स है। अगर हम एनर्जी की बात करें तो दो ही है, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल। कमर्शियल का मतलब होता है वो एनर्जी जिसको आप मार्केट में बेचते हो, आप उसके अगेंस्ट क्या रिसीव करते हो, एक कीमत रिसीव करते हो, एक कीमत डिसाइड करते हो, उस एनर्जी को बोलते हैं कमर्शियल एनर्जी। वही बात यहां पर लिखा हुआ है, ये वो सोर्स है एनर्जी का जो कि कमांड करता है एक कीमत को, जिसके लिए अगर आप उसे यूज करना चाहते हो तो आपको क्या देनी पड़ेगी, कीमत देनी पड़ेगी, प्राइस देनी पड़ेगी, दैट इज कमर्शियल एनर्जी। और आप समझ चुके हो कि नॉन कमर्शियल एनर्जी कौन सी होती है, जिसके अगेंस्ट आपको कोई कीमत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक बात बताओ, अगर मुझे आग लगानी है तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन तो हमारे एनवायरमेंट में, क्या पैसा देना पड़ेगा, नहीं, नॉन कमर्शियल एनर्जी है। हवा चाहिए तो हवा क्या हमारे एनवायरमेंट में है, हाँ, क्या उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, नहीं, नॉन कमर्शियल एनर्जी है। तो ये वो सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं जिनके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता, जैसे फायरवुड होगी, लकड़ी में आग लगाना, एग्रीकल्चर हो गया, वेस्ट हो गया, डायर डंग्स हो गए,
ड्राई डंग्स मतलब जो सूखे जो होते हैं ना उपले वगैरह होते हैं गोबर ओवर, ये सब क्या है हमारा नेचुरल नॉन कॉमर्शियल एनर्जी है, ठीक है। अब हमारे इंडिया के जो हाउस होल्ड है वो ज़्यादातर किस पर डिपेंड होता है, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी पर डिपेंड होता है। एक बात तो गाँव में कितने ऐसे लोग हैं जो गैस चूल्हा पर खाना बनाते हैं खरीद खरीद के, नहीं वो किस पर डिपेंड है कि वो फायरवुड में आग लगाएंगे और वहाँ चूल्हा अपना मिट्टी का बना के और उसमें बनाएंगे। आजकल तो चलो जो उज्ज्वला योजना उसके तहत क्या है कि हर घर में सिलेंडर है, लेकिन फिर भी है ज़्यादातर लोग क्या करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पर ही क्या होते हैं डिपेंड होते हैं। क्लियर हुआ? तो एनर्जी क्या होता है ये क्लियर हुआ, उसके दोनों पार्ट क्लियर हो गए। चलो अब हम बात करते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। देखो ये वो सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको हम स्टोर कर सकते हैं लंबे समय के लिए और फ्यूचर में हम उसका यूज़ कर सकते हैं। एक बात बताओ, आप जानते हो ये मेरा पायलट V7 है पेन, मैं इसको बहुत यूज़ करता हूँ, मेरे पास ब्लैक और ब्लू कलर का है और ये मान के चलो मैंने इस पेन से पता नहीं कितने मतलब इतनी मोटी नोट्स की गड्डियाँ बना दी है, नोट मतलब जैसे लिखते हैं ना इतनी सारी बना दी, इसमें इंक भरनी पड़ती है। अब यहाँ ध्यान देना, ये है पीछे इंक 12-15 रुपये की आती है, इंक होती है पीछे भर दो तो ये पेन आपको 12-60 रुपये का ये पेन नहीं खरीदना पड़ता, आराम से इंक भर दो। अब ये इंक जो है अगर इस इंक में मैं ब्लैक इंक डाल देता हूँ स्टोर करने के लिए, क्या मैं इसको स्टोर कर सकता हूँ लंबे समय तक इंक को? हाँ कर सकता हूँ। ये मेरे लिए क्या कहलाएगा? कन्वेंशनल सोर्स कहलाएगा। मतलब मैं जस्ट आपको ये एग्जांपल इसलिए दे रहा था ताकि मैं आपको ये बता पाऊँ कि कन्वेंशनल का मतलब है एक ऐसी चीज़ जिसको आप फ्यूचर के लिए स्टोर करके रख सकते हो और जिसको स्टोर करके नहीं रख सकते वो आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्स कहलाता है। जरा पढ़ के देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है इट रेफर टू द सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर सिंस लॉन्ग लॉन्ग लंबे समय के लिए आप इसको क्या कर सकते हो स्टोर कर सकते हो, जैसे कोल एंड ऑयल हो गया, और ये नॉन रिन्यूएबल इन नेचर होता है जो कि एटमॉस्फेयर में पाया जाता है और इससे एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन ज्यादा फैलता है, पोल्यूशन ज़्यादा फैलता है। आप खुद देख लो, कोयला को जलाओगे, ईंधन को जलाओगे तो उससे क्या होगा, आपका पोल्यूशन फैलेगा। नॉन कन्वेंशनल सोर्स का मतलब क्या होता है, ये वो एनर्जी के सोर्स होते हैं जिनका यूज़ आप एक बार कर सकते हो बार बार नहीं कर सकते, जैसे सोलर हो गया, विंड एनर्जी हो गया, जियोथर्मल प्लांट हो गया, बायोगैस प्लांट हो गया, टिंडल पावर प्लांट हो गया, ये क्या है, ये आप इनको स्टोर नहीं कर सकते। अगर आपने बिजली बनाई है विंड से, आपने देखा होगा ना विंड मिल होती है, विंड मिल क्या होती है उन खुले इलाकों में बनाई जाती है जहाँ पर हवा का रफ्तार बहुत तेज होता है, ये विंड मिल होती है, ये गोल चक्र की जैसे पंखा होता है ना घर में, ये गोल गोल घूमते हैं, तो ये जो टरबाइन होते हैं ये क्या करते हैं एनर्जी को यहाँ पर नीचे स्टोर कर लेते हैं, लेकिन इस स्टोर एनर्जी को हम ज़्यादा दूर तक नहीं पहुँचा सकते, इसको तुरंत कंज्यूम करना पड़ता है, हम इसको ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते, इसीलिए क्या है हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर है ना? चलो अच्छा, नॉन कन्वेंशनल सोर्स में भी क्या है आपका प्राइमरी और सेकेंडरी है, ठीक है। प्राइमरी सोर्स में वही हो गया ना जो डायरेक्टली नेचर से आपको मिल जाता है, सेकेंडरी वो हो गया जिसमें हम थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं। ये बताओ कोयला जो है, कोयला हमारा प्राइमरी सोर्स है क्योंकि ये हमारे नेचर में मिलता है, लेकिन हम कोयला से क्या बनाते हैं बिजली बनाते हैं, तो बिजली हम प्रोसेस वगैरह करके बनाते हैं ना, तो जो इलेक्ट्रिसिटी वो क्या हो गया हमारा सेकेंडरी सोर्स हो गया। क्लियर हो गया? तो आई होप कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको एनर्जी वाला सेक्शन भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी की, पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की यानी बिजली की। अब आप जानते हो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में बिजली का होना बहुत ज़रूरी है। अब क्यों होना जरूरी है, अब आप ये बताओ, मैंने अभी जो एग्जांपल आपको दिया था, अब ये मोबाइल बनाने के लिए कंपनी है, इसमें कई सारी मशीनें चलेंगी, वर्कर्स काम करेंगे, तो बिजली की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? यस सर, बिल्कुल पड़ेगी। सोच के देखो जिस इलाके में ये मोबाइल कंपनी खुली है वहां बिजली बहुत ज्यादा काटी जाती है, क्या ये मोबाइल कंपनी ज्यादा लंबे समय तक टिकेगी? आंसर इज नो, इसको लॉस होने लगेगी, अपने आप को कहीं और शिफ्ट कर लेगी जहां पर क्या आ रही होगी बिजली आ रही होगी। तो बिजली हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मतलब जो पावर या इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में। कहा जाता है कि जिस हिसाब से मार्केट में डिमांड बढ़ती जा रही है चीजों को लेकर, उस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी की भी डिमांड बढ़ती आ रही है। पहले क्या होता था, गांव के अंदर लाइट ज्यादातर नहीं होती थी तो भी हमारे काम चलते रहते थे, लेकिन अब जिस हिसाब से हमने चीजों को ऑनलाइन कर दिया है उस हिसाब से अब हमारे पास बिजली का होना बहुत जरूरी है, वो भी 24 घंटे। अगर 1 घंटे बिजली कट जाए तो उससे हमारे काम बहुत सारे रुक जाते हैं, यानी आज की डेट में जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर हम बात करें बिजली को बनाया कैसे जाता है तो मैं आपको बता दूं बिजली को बनाने के 4 तरीके होते हैं। कौन कौन से सोर्स होते हैं? थर्मल पावर प्लांट। ये थर्मल पावर प्लांट क्या होते हैं, आपने देखे होंगे कि बहुत सारे प्लांट होते हैं चिमनी लगी होती है, इस टाइप की चिमनी लगी होती है, इनके अंदर कोयला वोला जला के कोयला जलाया जाता है और कोयला जला जला के क्या किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, इसको बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। लेकिन इसमें पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है और ये ट्रेडिशनल मेथड है। सबसे ज़्यादा अगर हम भारत में बिजली बनती है तो थर्मल पावर प्लांट से बनती है जिसमें कोयला ऑयल या नेचुरल गैसेस से हम क्या बनाते हैं बिजली बनाने का काम करते हैं, दैट इज थर्मल पावर प्लांट। दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का मतलब क्या होता है,
ये होता है कि जैसे मान लो डैम बना दिया, ये आपकी ना एक नदी है, ये गोल मैंने एक नदी बनाई है, नदी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और बीच में एक डैम बना दिया, ये क्या है, कंक्रीट से बनाया हुआ है एक डैम है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो नीचे वाली जगह है यहाँ से पानी को स्टोर किया जाता है और फिर स्पीड से नीचे गिराया जाता है और नीचे टर्बाइन से लगे होते हैं, फैन लगे होते हैं जो क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, जैसे पानी इन पर गिरता है ये रोटेट करते हैं फ्रिक्शन पैदा करते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके इसमें क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। बगल में ट्रांसफार्मर हाउस होता है जहाँ पर इस इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके बिजली के खंभों के थ्रू क्या कर दिया जाता है, एक जैसे दूसरे जगह भेज दिया जाता है। तो ये जो प्लांट है जो हमने पानी के वेव से बनाया है, पानी की वेव मतलब जो पानी होता है ना उसको ऊंचाई से गिरा के वो जो ये ब्लेड्स होते हैं इनको घुमाया जाता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, इसी को हम बोलते हैं अपने पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। समझ आई बात? तो ये क्या होता है, फ्लोइंग रिवर। ये ज़्यादातर कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर हमारी रिवर्स होती है ना, समुद्र हो गए या नदियाँ हो गए, ये वहाँ पर होते हैं ज़्यादातर, ठीक है, क्योंकि वहीं पर हम ये डैम वगैरह बना सकते हैं। फिर आता है न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर। न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे ये चिमनियाँ तो पतली और लंबी होती है, एक आपने देखा होगा गोल्ड चिमनी होती है, कुछ इस तरह से आपने देखी होगी चिमनी होती है, बहुत बड़ी सी होती है ये, आपने देखी ये वाली। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, इनमें नए नए तौर तरीकों को रिएक्शन, अलग अलग केमिकल्स को रिएक्शन करवा के इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर। जिसमें क्या होता है, रेडियो एक्टिव वेव्स वगैरह निकलती हैं जैसे यूरेनियम, थोरेनियम और प्लैटिनियम, इसके थ्रू क्या बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है। फिर है न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। न्यू रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, ये वो है जो हमारे नेचर में मिलती है, जैसे हम अगर बात करें वो सारे तौर तरीके, जैसे विंड मिल हो गया, विंड मिल से बनाते हैं, तो भाई ये क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो नेचर है उससे ही हम चीज़ें को क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये था आपके सोर्स ऑफ पावर एनर्जी, पावर जनरेशन। आई होप आपको समझ आ गई क्या क्या चीज़ें होती है। अब बात करते हैं हमारे यहाँ पर जो पावर सेक्टर है उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। फेस क्या करना पड़ता है, सबसे पहली चीज़ है कि हमारे यहाँ पर सबसे पहला चैलेंज है कि जितने सप्लाई, जितनी डिमांड है उतनी हम सप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि देखो हम 135 करोड़ की जनता है, 135 करोड़ की जनता की डिमांड कितनी ज़्यादा होगी, लेकिन हम उतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना पाते, जिसकी वजह से इनएडिक्वेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है। नंबर टू, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। हमारी कैपेसिटी अगर मान लो हमें 20,000 वोल्ट का चाहिए और हमारे पास कितनी अवेलेबल है, 18,000 वोल्ट की अवेलेबल है, जितनी कैपेसिटी की जरूरत है उससे कम की अवेलेबिलिटी होने चलते हमारा पावर सेक्टर बहुत पीछे हो गया है। नंबर थ्री, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। अब तो सारी चीजें तो आप नेशनलाइज नहीं कर सकते हो, डिसेंट्रलाइज तो करना पड़ेगा, तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते हैं वो अपनी तरफ से जो परफॉर्मेंस है वो उतनी अच्छी नहीं दिखा पाती, जिसके चलते क्या होता है, रीजनल डिस्पैरिटीज पाई जाती है। जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता की अगर हम बात करें, यहां पर क्या अच्छी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, लेकिन हम बात करें यूपी की, हरियाणा की, राजस्थान की, इन जगहों पर लाइट की कटौती ज्यादा होती है, क्योंकि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ढंग से काम नहीं करता है। चौथा है शॉर्टेज ऑफ इनपुट, जितनी की हमें ज़रूरत है उतनी चीज़ें हमें मिलती नहीं है। लिमिटेड रोल ऑफ प्राइवेट एंड फॉरेन एंटरप्राइज है, देखो गवर्नमेंट से खुद तो काम होता नहीं है और प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा घुसने नहीं देते, इंटरफेयर नहीं करने देते, तो ऐसे तो भैया हमारे यहाँ पर पावर सेक्टर कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसी के चलते 2018 के अंदर मोदी सरकार ने बोला कि अब हम कई सारे प्राइवेट सेक्टर को हम क्या करेंगे, पावर सेक्टर के अंदर परमिशन देंगे कि वो आके काम कर सकते हैं। यहाँ पे पब्लिक के कॉरपोरेशन की बड़ी कमी पाई जाती है, अगर लोगों को मौका मिले तो भाई साहब वो बिजली की भी चोरी करना शुरू कर दें, और करते भी हैं, अब तो खैर कम हो गई, लेकिन पहले तो भैया दबा के होती थी। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं जो हमारे पावर सेक्टर के अगर हैं झेल रहे हैं। अब बात करते हैं इन सबको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इन सबको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो अगर आप इन सबको इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको PLF बढ़ाना पड़ेगा। PLF मतलब होता है प्लांट लोड फैक्टर। आप एक बार सोच के देखो ना कि हमारा कोई बिजली का खंबा है जिसकी कैपेसिटी है 30,000 और हमें ज़रूरत है 50,000 की, तो क्यों ना उस खंबे को चेंज करके 50,000 वॉट वाला बनाया जाए, उसके PLF लोड को बढ़ाया जाए, जिससे कि हमारे यहाँ पर जो डिमांड है हम उसको पूरा कर पाएं। सेंट्रल और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, सॉरी सेंट्रली कंट्रोल है, जो ट्रांसमिट करते टाइम और डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम जो लॉस होता है उसको हम रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं, आप जानते हो जैसे ये बड़े बड़े बिजली के खंभे होते हैं, ठीक है, देखो मैंने खुद बनाए, मुझे नहीं पता आपको ड्राइंग कैसी लगेगी, बट ये मैंने खंभे बनाए आपको समझाने के लिए। तो ये क्या होता है, जैसे यहाँ से बिजली यहाँ पर जाती है, तो क्या लगता है आपको, अगर यहाँ से 100 वॉट भेजी गई तो क्या यहाँ 100 वॉट मिलेगी? बीच में क्या होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं जिनसे बिजली कम जाती है, 99 नहीं मिल पाती, यहाँ पे बीच में लॉस हो जाता है। इस लॉस को किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज के साथ, ये सारी चीज़ें हमें इंश्योर करनी पड़ेंगी ताकि हमारा पावर सेक्टर क्या हो पाए, इंप्रूव हो पाए। इंक्रीज करनी पड़ेगी अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी, बढ़ानी पड़ेगी, प्रमोट करना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर को, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर से अकेले काम हो नहीं पा रहा, तो भैया प्राइवेट सेक्टर को इंटरफेयर करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद इंकरेज करना पड़ेगा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को, यानी इस वाले सोर्स ऑफ एनर्जी को, ये वाला, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे नेचर के लिए ये फायदेमंद होता है। अगर हम थर्मल पावर प्लांट से बिजली बना रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड से, तो उससे
पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। अगर हम बात करें डेवलपमेंट का, डेवलप करना चाहिए हाइड्रो पोटेंशियल को और अदर मेथड्स जैसे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी चाहिए जिससे कि नई नई चीज़ें निकल कर आएँ पावर सेक्टर के लिए। क्लियर है? तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी पूरा क्लियर होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, पता है एनसीईआरटी का ये चैप्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बुक से पढ़ाने के लिए मुझे पहले पूरा ये चैप्टर पढ़ाना पड़ा, क्योंकि देखो मैं तो चीज़ें कराता हूँ बेस से, मुझे ऊपर से नहीं करानी। वैसे तो 10 मिनट की वीडियो बनती है, मेरे तो काम आसान था, लेकिन मुझे तो चीज़ें बड़े कॉन्सेप्ट से करानी है, तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ें भी आपको करानी पड़ती है साथ के साथ। ठीक है, तो आप टेंशन मत लेना, हमारे साथ बस बने रहो, मैं आपको सारी की सारी चीज़ें कराऊंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, टेंशन देना सीखो लेना नहीं। चलो अब हम हेल्थ की बात करते हैं। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा हेल्थ भी कवर होता है, स्कूल हॉस्पिटल वगैरह होते हैं ना। चलो आप मुझे कमेंट करके बताओ, हेल्थ हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर दूसरा वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है? ठीक है, इकोनॉमिक है या सोशल है, आप बताना, देखते कौन इसका सही आंसर देगा। हेल्थ जो है वो एक फिजिकल और मेंटल है, जो एक सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यह हेल्थ अच्छी नहीं है तो उसके अब्सेंस में आपको कई सारी डिजीज हो सकती हैं, जिसके चलते आप सही से काम नहीं करोगे, इकोनॉमी को उससे क्या पहुँचेगा, घाटा पहुँचेगा। ठीक है, तो डेवलपमेंट के लिए हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी कोविड 19 में आपने देख ही लिया हमारा कितना अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था, कैसे हमारे प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल पूरी तरह से कोलैप्स हो गए, हमने गिरते हुए देखे, लोगों को रास्ते में मरता हुआ देखा, हॉस्पिटल की सुविधाओं के बिना हमने उन्हें तड़पता हुआ देखा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो हमारे इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। हमें एक बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए इस 2019 और 2020 के ग्लोबल पेंडेमिक से, कि लाइफ में मंदिर मस्जिद हो ना हो, लेकिन हॉस्पिटल ज़रूर होने चाहिए। मंदिर मस्जिद का क्या करोगे जब इंसानी पूजा करने के लिए नहीं होगा, वहाँ पे नमाज अदा करने के लिए नहीं होंगे। आप मेरी बात को समझ लो, गहराई पे जाना, इसे आप जात पात का एजेंडा मत मान लेना जो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इंसान की हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पूरा चैप्टर बर्बाद हो जाएगा अगर इंसान ही नहीं बचेगा तो, याद रखना। ठीक है, इकोनॉमी पूरी बर्बाद हो जाएगी अगर इंसान ही नहीं बचे। आप सोच के देखो कोविड 19 में कितने सारे लोग हैं जिनकी डेथ हो गई, सोच के देखो कितना इनकम टैक्स भरते होंगे, कितना इकोनॉमी के में बैंक में पैसा डिपॉजिट करते होंगे, कितना वो अपने बच्चों पर खर्चा करते होंगे, सारी चीज़ें रुक गई, कहीं ना कहीं हमारी इकॉनमी डाउनफॉल में जाएगी। अरे भाई बुरी तरह गर्त में जाएगी, तुम देखते जाना। मैं अपने दूसरे चैनल इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स पे केस स्टडीज डालता रहता हूँ ना, उसमें मैं बताऊँगा कि देखो आने वाले टाइम के अंदर क्या होने वाला है, देख लेना तुम लोग खुद भी। पता नहीं क्यों थोड़े भावुक हो गए मैं इस चैप्टर को पढ़ाते टाइम, बट कोई बात नहीं, मैं चैप्टर पे वापस आता हूँ। रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, देखो अगर हमें हेल्थ को बिल्डअप करना है तो प्राइवेट सेक्टर को इनिशिएट करना पड़ेगा। आप जानते हैं आज के डेट में प्राइवेट सेक्टर, अब आप पता है अगर आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो भाई साहब प्राइवेट हॉस्पिटलों में आपको आसानी से वैक्सीन मिल जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटलों के अंदर आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलेगा, ये हालात चल रहे हैं। तो आप देखो ना, प्राइवेट सेक्टर कुछ जगहों पर अच्छा रोल करते हैं, माना वो पैसे लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें उस लाइक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी भी तो प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन हाँ बस ये कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा चार्ज करने लगते हैं, जो कि चीज़ें ठीक भी नहीं है। चलो यहाँ पर आते हैं, रूल क्या प्राइवेट सेक्टर का, मोर देन 70% हॉस्पिटल आज की डेट में प्राइवेट सेक्टर के द्वारा रन किए जाते हैं। लगभग 2/5 बेड जो है प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल होते हैं। 60% डिस्पेंसरी किसके द्वारा रन की जाती है, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा रन की जाती है। अगर हम NRI की बात करें, नॉन रेजिडेंट इंडियन, बाहर का बंदा हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में घुस जाएगा ना तो बेटा वो मर के ही आएगा वापस, इतनी गंदगी होती है। वो क्या प्रेफर करते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ गुड़गांव के में मेदांता हॉस्पिटल, भाई साहब वो हॉस्पिटल क्या, मुझे तो पूरा होटल लगता है। ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें अगर आपका बिस्किट अगर जमीन पे गिर जाए तो आप उठा के खा सकते हो उस हॉस्पिटल का, मतलब इतना नीट एंड क्लीन है। क्योंकि मैं तो जा चुका हूँ, मुझे तो पता है वहाँ का कैसा है। वहाँ पे NRI वगैरह अपने पास क्या आते हैं, इलाज करवाने के लिए आते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में ही घुसेगा NRI, वो अगर हमारे इधर एम्स या दीनदयाल में घुस गया ना तो भाई साहब वो मर के ही वापस आएगा। माना कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ लेकिन सच्चाई है बात में, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कुछ भी याद रखना। ठीक है, चलो अब क्या है कि इन सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी ISM ने क्या किया है, अपना इनिशिएट दिखाया। इन्होंने कहा कि हेल्थ केयर को प्रमोट करने के लिए हमें टैबलेट्स पर नहीं बल्कि आयुर्वेदा पर डिपेंड रहना चाहिए, योगा करना चाहिए, आपका होम्योपैथिक दवाइयाँ चलानी चाहिए। और देखा गया कि अगर ये जो तरीके हैं, तौर तरीके अगर हम इनको फॉलोअप करते तो हमारी जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो लाइफ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो क्या होती है, बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं कि आखिर हमारे डेफिशिएंसी ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हमारे यहाँ पर किस चीज़ की कमी है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में। सबसे पहली बात, हमारे यहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो रूरल एरियाज़ में हॉस्पिटल ही नहीं है, और हैं तो बहुत कम है, और शहरों में हर दो गली छोड़ के हॉस्पिटल है। आपने ये चीज़ नोटिस की, दैट इज़ कॉल्ड रीजनल डिस्पैरिटीज़। क्यों आखिर, क्या गांव में आपकी मार्केटिंग अच्छी नहीं हो पाएगी, गांव में बंदा आपको अच्छे पैसे नहीं दे पाएगा इसलिए हॉस्पिटल नहीं खोल रहे हो, तो ये तो बहुत गलत चीज़ है। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गांव में भी क्या होना चाहिए, आप जानते हो कि
गांव से शहर तक जब बंदे को लेकर जाया जाता है, हेल्थ जब ख़राब होती है तब तो वो बीच में निपट लेता है। क्यों? क्योंकि गांव में वो चीज़ें नहीं है, तो गांव में भी वो चीज़ें होनी चाहिए ना। ठीक है, दूसरा कम्युनिकेबल डिजीजेस, कई सारी डिजीज होती है कम्युनिकेबल होती है। जैसे आप कोविड ले लो, अब तो मैं इसमें कोविड का एग्जांपल दूंगा कि कोविड क्या है, आप ज़रा सा खांसोगे छींकोगे तुरंत दूसरे पर ये ट्रांसमिट हो जाएगी। सार्स है, एड्स है, ये सब क्या है, ट्रांसमिट होने वाली बीमारियाँ, इन पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। पुअर सैनिटेशन फैसिलिटी, सैनिटेशन मतलब जैसे टॉयलेट वगैरह होते हैं तो इनमें क्या होते हैं, अगर गंदे टॉयलेट में आप जाते हो तो इससे जो आपके इंटरनल बॉडी पार्ट्स है वो ज़्यादा हार्म हो जाते हैं, जिसके से आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ना शुरू होता है, आपको पता भी नहीं चलता बट ये बीमारी वहाँ से शुरू हो जाती है। अब ये सब चीज़ें क्या है, अगर हम इन पर रोक लगाएं, अगर हम क्लीन सैनिटरी पर फोकस करें, सैनिटाइजेशन पर फोकस करें, नीट एंड क्लीन वॉशरूम्स रखें, तो क्या इससे हमारी हेल्थ पे फर्क पड़ेगा? यस, ऑब्वियस ही बात है, बिल्कुल पड़ेगा। लैक ऑफ मैन पावर, अब जैसे आपने अभी देखा हमारे यहाँ पर डॉक्टर्स की नर्सेज की कितनी ज़्यादा कमी हो गई थी कोविड 19 के केस में, तो आई थिंक आपको ये पॉइंट समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी इनएडुकेट सप्लाई है। जितने डॉक्टर जितने नर्सेज की चाहिए हमें ज़रूरत, उतने अवेलेबल नहीं है। बाकी माल न्यूट्रिशन और हंगर की भी हमारे यहाँ पर कमी चलती है, और रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर जो है जितना होना चाहिए उतना नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी डोमिनेंट पोजीशन दिखाना चाहता है तो वो प्राइवेट को ज़्यादा घुसने ही नहीं देता। आई बस होने, चलो तो आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा क्लियर हो गया। अब देखो आपका मैंने पूरा बेस बना दिया ना, अब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड चीज़ें समझ आ गई होंगी सारी की सारी, क्योंकि मैंने आपको क्लास 11th की या 12th की जो इंडियन इकॉनमी है ना NCERT वाली, वहीं से नोट्स बनाए वो मैंने आपको करा दिए। अब जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा ना तो देखना आपको कितना इजी लगे। वैसे बुक में तो इतना अच्छा दे नहीं रखा, बट जो जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी वो मैं आपको बुक से भी पढ़ा देता हूँ, क्योंकि हमें बुक को भी फॉलो करते हुए चलना है ना। चलो देखो, ये हमारा टॉपिक इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे लिए लाइफलाइन है इकॉनमी को चलाने की, जिस तरह से हमारे शरीर को प्रोटीन की ज़रूरत होती है ठीक उसी तरह से इकॉनमी को भी चलाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज वाई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो किसको प्रायोरिटी देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी देती है। अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, इन्होंने बोला ये एक ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कि ज़रूरत होती है एक अच्छे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिससे कि इकॉनमी का फंक्शनिंग जो है वो तरीके से चल पाए, और इसी को क्या बोला गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बोला गया, जिसके अंदर पावर को, ट्रांसपोर्टेशन को, कम्युनिकेशन को, वाटर सप्लाई को, सीवेज सिस्टम को, हाउसिंग को, अर्बन एमिनिटीज़ को, सबको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। हमने तो बहुत डिटेल में पढ़ लिया इसके बारे में, बुक में तो इतना भी नहीं दे रखा। इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि हमारे यहाँ पर जो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्लियरली दिखता है कि कितना ज़्यादा अंडररेटेड है, मतलब जितना उसके में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए उतनी इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं है, जिसके चलते कई सारी हमें कमियाँ देखनी पड़ती हैं। अगर हम बात करें कि इन सब चीज़ों को किस तरह से ये चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो कहा गया देखो भैया ऐसा है कि अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना है तो अपने पावर सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। पावर सेक्टर मतलब इलेक्ट्रिसिटी व हाइड्रो पावर वगैरह समझाया था ना, उसके अंदर रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। रिफॉर्म मतलब होता है मेजर चेंजेस लाने पड़ेंगे, और हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा रोड वगैरह को, ताकि जो हमारा चैनल है, रूट है, वो इजी हो पाए। हमें चीज़ों को रैशनलाइज करना पड़ेगा, जैसे रेलवेज का जो फेयर है उसको कम करना पड़ेगा, जिससे उसका एक्सेस हर एक गरीब इंसान भी ले पाए। आई बस होने, चलो अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो अप्रोच है इंफ्रास्ट्रक्चर की, इसके अंदर मेजर चेंजेस लाने के लिए, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए नीति आयोग ने 7-ईयर स्ट्रेटजी को फ्रेम किया गया था, 7-ईयर स्ट्रेटजी को, जिसमें हर 7-7 साल पे हम क्या करेंगे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिपोर्ट्स तैयार करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारे यहाँ पर 7 सालों के अंदर हुई है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो नीति आयोग के द्वारा बनाया जाता है, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि किस तरह से हम फिजिकल फाउंडेशन करें, किस तरह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर करें कि इकॉनमी के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो मैसिव स्केल के ऊपर हो पाए, जिसका फायदा हर एक सिटीजन को पहुंच पाए। क्लियर हुआ? देखो बुक में तो देखो कितना छोटा दे रखा है, लेकिन बुक से पढ़ते उतना समझ नहीं आता, इसी वजह से मैंने आपको ये नोट्स में से कराया। दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपको ये हमारे नोट्स चाहिए ना, सिर्फ इस चैप्टर के नहीं, पिछले जितने चैप्टर है 1 से लेकर 21 तक के जितने भी नोट्स मेरे हैंड रिटन है वो सारे के सारे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। उसके लिए ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके उसको जल्दी से ज्वाइन कर लो। ठीक है, सारी चीज़ आपको उसमें अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, इवन हम तो उसमें हिंदू का न्यूज़पेपर के भी PDF देते हैं डेली, ताकि आप पढ़ पाओ, जिसका एनालिसिस हमें इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स पे भी करते हैं। तो बताओ आपको ये सब करा के ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो आज का जो हमारा टारगेट है वो पूरा कंप्लीट होता है। आप जानते हैं हमारी क्लास की प्रथा क्या है, जानते हो ना, अब तो बेटा फैमिलियर हो जाओ इन चीज़ों से। तो आज हमने अपनी क्लास के अंदर इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा कंप्लीट कर लिया। कोई डाउट यहाँ तक श्योर चल सकते हैं आगे? चलिए ठीक है, तो गाइज आज की क्लास के लिए हम इतने ही रखते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ज़रूर कर दिया करो, और अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करो, जिससे हम भी थोड़ा सा बूस्टअप हो जाते हैं आपके लिए और मेहनत करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो गाइज आज के लिए इतने, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।